सीटेट 2024 हिंदी हार्ड टेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ये हिंदी पैडागॉजी है, प्लीज ये मत कहिएगा कि इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करके क्वेश्चन दिखा दो, क्योंकि फिर ये हिंदी पैडागॉजी का फायदा बचेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कौन सा एक टीचिंग लर्निंग मटीरियल नहीं है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्लासरूम रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स भी हाँ रिसोर्स कह सकते हो आप इसको, हालांकि इनका ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है इस वाले क्वेश्चन का, लेकिन ये इन्होंने इस बार ही पेपर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पोल में आप जवाब दे रहे हैं 41% लोग बी कह रहे हैं। समझते हैं कहानी क्या है। देखिए पठन कोने का मतलब होता है रीडिंग कॉर्नर, ये अब आप इस बात को तो गांठ बांध लीजिए कि आपको हिंदी पैडागॉजी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इंग्लिश पैडागॉजी के क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जाते थे उसी को ट्रांसलेट मार के हिंदी में दे देते हैं, जो नोटिस कर पा रहे हैं हम लोग पिछले 2 से 3 बार से, 2 बार का ऑनलाइन और इस बार का ऑफलाइन भी। तो रीडिंग कॉर्नर कहते हैं इसको, पठन कोना को। देखिए रीडिंग कॉर्नर जो है ऐसा नहीं है कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये एक टीचिंग का संसाधन नहीं हो सकता, क्लासरूम में एक रीडिंग कॉर्नर बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कक्षा पुस्तकालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अगर एक लाइब्रेरी क्रिएट की गई है क्लासरूम में तो वो भी अपने आप में एक रिसोर्स है, जो रीडिंग कॉर्नर है वो भी एक रिसोर्स है ना। कक्षाई प्रक्रियाएं जो हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम काउंट नहीं करेंगे, रिसोर्स तो ये भी अगर देखा जाए, लेकिन इनके पूछने का मतलब यहां जो है वो कक्षाई प्रक्रियाएं हैं, मतलब एक एक्टिविटी है जो क्लासरूम एक्टिविटीज हैं, कक्षाई मतलब क्लासरूम और प्रक्रियाएं मतलब एक्टिविटीज, तो क्लासरूम एक्टिविटीज अपने आप में एक प्रोसेस है, जबकि यहां पे बात हमसे मटेरियल की कर रहे थे अगर देखा जाए तो, क्योंकि 3 ऑप्शंस जो हैं वो एक ही जैसे हैं, शब्द दीवार मतलब जो आपका वर्ड क्या कहेंगे उसको वॉल, जिसपे आपको अलग अलग वर्ड्स मतलब वोकैब में आपको मदद मिलेगी, ऐसा रिसोर्सेज होते हैं ना, दीवारों पे कुछ चिपका हुआ है ये हुए, तो ये तीनों ही चीजें किसी एक रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिसोर्स छोड़ दीजिए मटीरियल के बारे में बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल के रूप में जिसको यूज किया जा सके। कक्षाई प्रक्रियाएं अपने आप में एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है वो संसाधन नहीं है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि तीनों ऑप्शन ऑड हैं और एक ही चीज है जो तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं या एक मटेरियल की ही बात कर रहे हैं, जबकि जो एक ऑप्शन है वो डिफरेंट है, ऑड है, तो वो ऑड वन आउट से आप यहां पता लगा सकते हैं कि पूछना क्या चाह रहे हैं, अदरवाइज चारों सही हैं ऑप्शंस, तो अगर आप देखेंगे तो संसाधन तो है, कक्षाई प्रक्रिया है, ऐसा थोड़ी संसाधन नहीं है, और ऑफिशियल आंसर भी आपका सी ही है ना, तो हमें थोड़ा सा यहां पे ये ट्रिकी क्वेश्चन कह लो इसको, या फिर इनका पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया, तो हमें सेंस निकालना पड़ेगा कि आखिर पूछना क्या चाह रहे हैं भाई। अगर आप कक्षा पुस्तकालय या पठन कोना या शब्द दीवार इनमें से तीनों में से किसी को भी हटाएंगे तो फिर अलग कैसे हुए, शब्द दीवार भी एक रिसोर्स है या मैं कहूं मटीरियल हो गया जिससे सीखा जा सकता है, रीडिंग कॉर्नर भी एक मटीरियल है, कक्षा पुस्तकालय भी एक मटीरियल है ना, तो कक्षाएं प्रक्रियाएं डिफरेंट है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभिकथन यानी एक स्टेटमेंट है और तर्क यानी एक इसका रीजन है। अभिकथन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्ति परक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, यानी व्यक्ति परक अधिगम क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बच्चे होंगे उनके हिसाब से व्यक्ति परक अधिगम की योजना बनानी चाहिए, IEP भी कह देते हैं स्पेशल एजुकेशन में तो इसको, है ना, उसी तरह की एक बात है यहाँ पे कि इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए कि ये बच्चा ऐसे सीख पाएगा, मल्टीपल तरीके पढ़ाने के लाने चाहिए, ये बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है इसमें, ट्रू है ये बात, परफेक्ट है। रीजन क्या है इसका, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है, यानी जब बच्चे नई भाषा सीखते हैं तो डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, बिल्कुल सही बात है ना, अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे होंगे, विविधता होगी, जैसे देश में विविधता है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पर हो, या डिफरेंट डिफरेंट चीजों के आधार पर हो, ठीक है ना, तो ये बात भी सही है। हमारे 3 स्टेप होते हैं, क्या ये पहला सही है, बिल्कुल सही है, क्या दूसरा सही है, हाँ सही है, क्या ये इसके लिए सही है, तो बात गड़बड़ा गई, यहाँ पे तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही कि भाई ये दोनों आपस में सही हैं, अलग अलग सही हैं इंडिविजुअली, एक दूसरे के लिए सही नहीं है, क्या हो जाएगा, ब्रेकअप। ब्रेकअप बोले तो ए इज नॉट द राइट रीजन फॉर द स्टेटमेंट या अभिकथन, मतलब हम यहां पे ये कहेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या, नहीं 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 नहीं, सही व्याख्या कहां है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं है, जो ए की सही व्याख्या आर नहीं करता, ये कह रहा है नई भाषा सीखने से विविधता बनती है, जबकि पहली बारी में बात हो रही थी कि एक लैंग्वेज टीचर को, एक भाषा अध्यापक को अलग अलग बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक पाठ योजना बनानी चाहिए, जो कि बात सही थी, लेकिन क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि विविधताओं के आधार पर बनाए, ऐसा कुछ होता तो समझते, लेकिन ये अलग बात है, ये अलग बात है, दोनों बातें सही है बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है,
इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, ये क्वेश्चन जन्म जन्मांतर से आता रहा है और ये हम पढ़ते भी हैं, आए हैं, मेरा फोन कहाँ है, चलिए कोई बात नहीं, बताइएगा एक बार, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, यानी किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज है लर्नर की वो सेंट्रल रोल प्ले करेगी, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, यानी कि प्रथम भाषा मतलब मदर टंग, मातृभाषा जो वो अपने घर से सीख करके आया है, सीख के भी क्या उसने एनवायरमेंट से उठा लिया है उसको, यानी अर्जित करके आया है, सीखना भी गलत शब्द होगा, ठीक है ना। तो संप्रेषणात्मक अधिगम शिक्षण विधि जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में अगेन ट्रांसलेट करो नहीं तो गड़बड़ होगी। कम्युनिकेशनल लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं CLT, और CLT ऐसा नहीं है सिर्फ मदर टंग में ही जो है, यहां पे सिर्फ मदर टंग ही सीखी जा सकती है CLT के माध्यम से, बल्कि हम दूसरी भाषा भी सिखाते हैं। इंग्लिश के लिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का अगर हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें बच्चों को संप्रेषण का मौका मिल रहा होगा, संप्रेषण क्या होता है, डिस्कशन, चर्चा, किस भाषा में, हिंदी में करोगे तो हिंदी सीख जाएंगे, इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये मातृभाषा की बात करता है CLT, समझ पा रहे हो। तो मातृभाषा सेंटर नहीं होती है CLT में, आप इंग्लिश भी सीख सकते हो CLT का यूज करके, CLT बोले तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग यानी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि के बच्चे, जैसे आपने देखा होगा जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस होती हैं, बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं टूटी फूटी जैसी आ रही है, तो वो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि है एक तरह से। तो जरूरी नहीं है कि वो मातृभाषा को सिखाने के लिए यूज हो, मातृभाषा तो बच्चा घर से सिखाएगा, उसके लिए CLT की क्या जरूरत है, कर उसमें भी सकते हो आप डिस्कशन, लेकिन यहां पे बात हो रही है कि प्रथम भाषा जो है केंद्र में होगी दूसरी भाषा सिखाते हुए, आपको ये समझना पड़ेगा इनडायरेक्टली। तो इसका जवाब सिर्फ एक बनेगा, वो है व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड या ओल्डेस्ट मेथड इसको कह देते हैं, GT मेथड कह देते हैं, GT रोड वाला नहीं, व्याकरण अनुवाद विधि जो है, जैसे हमने इंग्लिश को सीखा है, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं तो हम ग्रामर कैसे सीखते हैं, ग्रामर की जो बुक होती है उसके नियम हिंदी में होते हैं और हम इंग्लिश के नियम पढ़ रहे होते हैं हिंदी में, या ट्रांसलेट करके करते हैं हम, है ना, ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश समझ रहे होते हैं कि अच्छा हमने एक लाइन इंग्लिश में पढ़ी फिर मैं ट्रांसलेट करती हूँ जैसे हर क्वेश्चन को जनरली CDP क्लास में या बाकी क्लासेस में, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन है। यहाँ पे मदर टंग सेंटर में होती है, मातृभाषा में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि में मदर टंग देखा जाए तो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। कार्य आधारित अधिगम होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी बच्चों को कोई एक्टिविटी, मछली जल की रानी है तो वो हाथों से मछली बना के दिखा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं बेसिकली। प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि में तो मदर टंग की जगह ही नहीं होती, यहाँ तो सेकंड लैंग्वेज में ही सिखाया जाता है, यानी इंग्लिश सिखा रहे हैं तो फाइन लगेगा अगर आप हिंदी बोलेंगे तो यहाँ तो मदर टंग की जगह ही नहीं होती, मदर टंग तो प्रोहिबिटेड होती है प्रत्यक्ष विधि में यानी डायरेक्ट मेथड में। चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, एक बच्चा है जिसकी प्रथम भाषा का मतलब क्या होता है, मातृभाषा, जनरली या 99% ऑफ द केसेस में पहली भाषा आपकी मातृभाषा होती है, ठीक है ना, कि जो आपके घर में बोली जाती है, क्लियर है बात। अगर हम बात करें यहां चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, यानी वो बिहार का बच्चा होगा ऐसा हम मान रहे हैं, या भोजपुरी उसके घर में बोली जाती है तो उसकी मातृभाषा है, तमिलनाडु गया बच्चा, साउथ इंडिया में गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है, यानी उसने इंग्लिश सीखी या आती थी व्हाटएवर, दूसरी भाषा इंग्लिश आती है उसको या सीखी है, और अब वो इंग्लिश में ही बात करता है, भोजपुरी का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है वहां भोजपुरी किसी को आती ही ना। ये वैसा ही है एकदम जैसे कोई व्यक्ति इंडिया से अमेरिका चला जाए, तो यहां वो हिंदी में बात करता था लेकिन अमेरिका जाकर के उसका ज्यादातर काम जो है वो अंग्रेजी में ही है, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है, अंग्रेजी बोलता ही है, अंग्रेजी में ही सोचता है, ये सारी चीजें इंग्लिश में हो रही हैं, ऐसा ही यहां पे है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है, यानी जब द्वितीय भाषा जो सेकेंड लैंग्वेज है आपकी नई, भाई सेकेंड लैंग्वेज बाद में सीखी होगी ना, फर्स्ट के बाद ही सेकेंड आएगा, भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है, यानी अब आप अपने मदर टंग में ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा संप्रेषण आपका या जो बातचीत है वो आपकी दूसरी भाषा में हो रही है, तो क्या होगा, आप पहली भाषा को धीरे धीरे या तो भूलने लगते हैं या फिर उसका इस्तेमाल कम हो जाता है, उसका प्लेस जो है साइड हो गया कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्थिति को हम ऋणात्मक द्विभाषावाद कहते हैं, यानी इसको द्विभाषावाद नहीं कहेंगे, द्विभाषावाद तो होता है कि दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा होता बच्चा, कि घर में वो भोजपुरी बोलता है और क्लासरूम में वो इंग्लिश, या दोनों को मिक्स एंड मैच करता है, तो द्विभाषा का मतलब दो भाषाएं आती हैं बच्चे को और दो भाषाओं का इस्तेमाल भी कर रहा है। यहां पे अगर ये ऑप्शन में नहीं होता बी ऑप्शन, तब हम द्विभाषा के साथ जा सकते थे कि बच्चे को दो भाषाएं आती हैं, तो चारों ऑप्शन में से बेस्ट चूज करना है हमको, ठीक है ना। कोड स्विचिंग होता है, अभी एक क्वेश्चन आएगा उससे पहले मैं बता दूंगी तो आप फिर पकड़ जाएंगे आंसर। कोड स्विचिंग होता है जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाते हैं, है ना,
एक कोड मिक्सिंग भी होता है, ये यहीं पे दिया हुआ है, कोड मिक्सिंग है जब आप कुछ वर्ड्स दूसरी भाषा के यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी किया, मैंने कहा कुछ वर्ड्स, कुछ हिंदी है वर्ड्स जो है क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और फिर से मैं हिंदी में आ गई, तो ये कोड मिक्सिंग है ना। कोड स्विचिंग क्या होता है, मैं हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती, वो कोड स्विचिंग हो जाता है, यानी भाषा चेंज कर दी मैंने। लेकिन ये है ऋणात्मक द्विभाषावाद, क्योंकि आपने दूसरी भाषा सीखी और पहली भाषा का आपने इस्तेमाल बंद कर दिया, तो ये नेगेटिव कह लीजिए इसको आप, है ना, द्विभाषावाद, यानी दूसरी भाषा यूज नहीं हो रही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है, यानी समर्थन करता है किसका, पठन पूर्व गतिविधि। पठन पूर्व गतिविधि क्या होता है, जब हम पढ़ने से पहले, यानी बिफोर रीडिंग एक्टिविटी है, एक रीडिंग से प्री रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, अब आप बच नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट करके हिंदी पेडागॉजी देने लग गए हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है, यानी प्री रीडिंग एक्टिविटी को क्या करता है, डिनोट करता है या उसकी तरफ इशारा करता है, कौन सा एक ऑप्शन, यानी जो एक्टिविटी रीडिंग से पहले हो, एक तो होती है प्री रीडिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है पोस्ट रीडिंग, और तीसरा होता है ड्यूरिंग रीडिंग, यानी रीडिंग जब चल रही हो। तो प्री रीडिंग यानी पूर्व पठन की बात हो रही है, पोस्ट पठन में हो सकता है आपको कोई अभ्यास कराने को दे दिया जाए, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए आपसे पाठ के बारे में, जो पाठ में आया हो उसके बारे में। तो शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण, देखिए सारांशीकरण होता है समराइज करना, समराइज करना पोस्ट, यानी उत्तर पठन की बात होगी, जब पढ़ लिया है आपने चैप्टर तब तो सारांश बता पाएंगे, मूवी देख के ही तो आप एक स्टोरी बताते हो किसी को, बिना मूवी देखे कहां से सारांश बता दोगे, या बिना कहानी पढ़े कहां से सारांश बताओगे, तो ये तो हट गया, क्योंकि हमें पठन पूर्व चाहिए गतिविधि, पठन उत्तर पठन या जो भी व्हाटएवर, मतलब पठन के बाद वाली नहीं चाहिए यहां पे। अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग, यानी पढ़ने से पहले प्रिडिक्शन एक चीज होती है जो प्री रीडिंग एक्टिविटी में आती है, कि आप अनुमान लगा रहे हैं उसके शीर्षक को देख के, कोई पिक्चर को देख के आइडिया लगा रहे हैं कि किस बारे में होगा, या टीचर आपसे कुछ शुरुआत में उस चैप्टर के आसपास के कुछ क्वेश्चन पूछे जिसका आपको बेसिक आइडिया हो, है ना, कि भाई आज हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा था, तुम घूमने गए थे तो आज हम ट्रैवल पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले जब आप ये पाठ किस बारे में है, तो ये अनुमान लगाने से संबंधित कार्य, चाहे आप शीर्षक देख के यानी उसका टाइटल देख के अनुमान लगा रहे हो, पिक्चर देख के अनुमान लगा रहे हो, कई तरह से अनुमान लगाया जा सकता है, तो ये बात सही है। व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, भाई चैप्टर पढ़ानी है उसमें आने वाले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कहां से सीख जाएगा बच्चा, ये बाद में सिखाया जाएगा कि यहाँ पे ये शब्द संज्ञा का इस्तेमाल हुआ था जब ये स्टोरी चल रही थी, तो जैसे राम के बारे में कोई कहानी है तो राम इसमें संज्ञा है, ये बाद में आप बताते हैं या ड्यूरिंग बताते हैं, पहले नहीं बता देते चैप्टर से, ठीक है ना, तो ये भी गड़बड़ हो गया। भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग, कि भाव क्या है किसी बात का, पढ़ के ही तो पता लगेगा। तो सिर्फ बी ऑप्शन है जो पठन पूर्व गतिविधि का हिस्सा है, कि अनुमान लगा रहे हैं आप चैप्टर के देख करके ऊपर से, या आपसे उसके आधार पर कुछ आपकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है, ये क्वेश्चन भी हमेशा आता ही है, कि उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण को हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं इंग्लिश में, हम इसको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है जी। क्या होता है रेमेडियल टीचिंग बताइए एक बार, देखिए एक चीज होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट, दूसरा होता है रेमेडियल टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण के अंदर ही उपचारात्मक प्रक्रिया आती है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है, यानी रेमेडियल टीचिंग के बारे में, जो उपचार के रूप में दिया जाएगा, जब बच्चे को जहां समस्या आ रही है उसको ठीक करना उपचारात्मक है, है ना, कि आपको समझ नहीं आया दोबारा समझाया जा रहा है एक तरह से, या स्पेशल क्लास लगाई जा रही है, ये उपचारात्मक शिक्षण में आते हैं। तो प्रदर्शन या उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, यानी जहां परफॉर्म करना है बच्चे को या और नंबर बढ़ सके उस चीज के लिए हेल्प दे रहे हैं आप, या फिर पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, सहानुभूति होता है अरे मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो तुम तो पढ़ाई में, मुझे बड़ी सिंपैथी है तुमसे, है ना, तुम में तो दिमाग ही नहीं है, मतलब इट्स लाइक कि सिंपैथी से काम कहां चलेगा, सहानुभूति से नहीं, एक तो सहानुभूति बेहतर होती है यानी एम्पैथी, और दूसरा सहानुभूति से क्या काम चलेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा, आपको बच्चे को मदद करनी पड़ेगी जहां दिक्कत है। उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, ग्रेस मार्क्स नहीं, मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, यही अब तो सही बच रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास होगा, ऐसा कुछ होगा कि जहां दिक्कत आ रही हो बच्चे को वहां आप उसको हेल्प कर रहे हैं, तो वही बात इसमें कही गई है इनडायरेक्टली। तो प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, यानी आगे, ये उस सेंस में कहा गया है कि आगे हेल्प मिले बच्चे को परफॉर्म करने में, या उपलब्धि मतलब जितना वो सीखा है उसमें और मदद मिल सके, यानी उपचार कर रहे हैं आप, तो ए ही ऑप्शन सही बचता है। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि ये नेगेटिव है, बट ये चारों ऑप्शन आपको पढ़ के ही पता लगता है कि किस बारे में बात हो रही है।
तो बाकी के तीन ऑप्शन तो एकदम खराब है। यहाँ पे सहानुभूति देना, अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों का मतलब होता है जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आते हैं, उन बच्चों पर ध्यान देना नहीं। जबकि उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए होता है जनरली जहां जिस बच्चे को दिक्कत आ रही होती है, किसी वजह से पीछे रह गए हैं, है ना, कहीं कहां समस्या है, उसके आधार पर आप रेमेडी दे रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं, स्पेशल क्लास लगा रहे हैं, व्हाटएवर, या नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रदर्शन सुधार हेतु मदद दे रहे हैं आप बच्चे को।